हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके? ठीक हो? बढ़िया हो? बस बढ़िया ही रहो। आज फिर एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है सनी पाजी व्लॉग के साथ में। तो बस बाहर का मौसम तो बहुत शानदार है और आपने सुना ही है ऐसे गुड़गांव और दिल्ली में आज येलो अलर्ट दिया हुआ है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। तो सारी जगह ट्रैफिक तो मिलना ही है, पर मुझे काम है, मुझे दिल्ली जाना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं रुक जाता। तो बस निकलूंगा अभी घर से, खाना बना रही है सिमरन, ब्रेकफास्ट करके निकलूंगा। थोड़ा सा लेट हो गया आज, मतलब 11:30 के करीब करीब अभी हो रहे हैं और किमरन सोई हुई है। कितना टाइम है भाई खाने को? क्या बन रहा है? ऑमलेट, बुर्जी बुर्जी, और वहाँ बड़ा शानदार है। तो ये देखो सिमरन मेरा खाना बना रही है। क्या कह रहे शाम का क्या सीन है, कुछ है तो बता दो। घर पर अलग खाने वाले बात करते हैं शाम को, बाहर चलते खाना खाने शाम को। बाहर का नहीं खाना है तो बारिश भी है, घर का ठीक है, लाइट ही खाना है, हमने क्या फायदा बाहर जाने का। रात को मूवी चले? मूवी कोई आई नहीं, घर पे मूवी देख लेते हैं। घर पे क्या मूवी देख लेते हैं, अच्छी मूवी लगा। चलो कोई सीन बनाते हैं रात को। देख, तो जैसा कि आपने देखा ही है गुड़गांव और दिल्ली में आज येलो अलर्ट दिया हुआ है बारिश का, मतलब हैवी रेन होने के चांसेस हैं आज दिल्ली में। और उसकी वजह से जितने मल्टीनेशनल ऑफिसेस हैं और स्कूल्स हैं सब बंद कर दिए हैं यहाँ पे गुड़गांव में। तो उसके वजह से देखो ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है, टोटली रोड्स खाली पड़ी हैं। तो आगे भी किट्टू भी गया है मेरे, उससे बात हुई है, अगर हाईवे भी सही पूरा खाली पड़ा हुआ है तो आराम से गाड़ी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई साहब बारिश हुई भी तो बहुत ज़्यादा ना, पानी एकदम पूरा भरा हुआ था सब जगह। तो अभी तो पानी उतर गया है काफी और रात भर बारिश होती रही। और मौसम तो भाई साहब इस टाइम पे शानदार हुआ है, मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत शानदार। तो बाकी बस बैठे हैं, मेरा आपको बताया था प्रोग्राम बन रहा है, ये 2-4 दिन की बात है। आज 23 तारीख हो गई है तो 30 तारीख को 1 तारीख के आसपास अच्छी जगह जाएंगे। जगह मेरी अभी पूरी डिसाइड नहीं हो पा रही, वो 1-2 दिन में डिसाइड हो जाएगी पूरी, पर जाएंगे अच्छी जगह, कोई नई जगह ही जाएंगे। और बाकी आपको पता है 26-27 तारीख से रामलीला भी शुरू हो रही है, नवरात्रि भी शुरू हो रहे हैं। तो आपके भाई को मौका मिला इस बार रामलीला में जो पूजा आरती करने का, तो करोलबाग की जो मतलब दिल्ली की नंबर 3 या नंबर 4 में होती सबसे बड़ी रामलीला, तो वहाँ पर आरती करूंगा इस बार मैं, तो वो भी आपको दिखाएंगे इस बार रामलीला के पूरे दर्शन कराऊंगा आपको। सर आपका सर्वर इशू होने का कारण सर आपने जो पेमेंट किया, पेमेंट आपका हॉल पे चला गया सर, जिस वजह से अभी आपको अपडेट करना पड़ रहा है। तो मैं अपडेट का प्रोसेस आपको बता दे रहा हूँ। नहीं तो मतलब ये कैसे होगा सर, मतलब लाइट कट तो नहीं जाएगी मेरी आज रात को? नहीं सर, अगर अभी आपका अपडेट हो जाएगा तो नहीं डिस्कनेक्ट होगा, अगर अपडेट नहीं हो पाएगा सर तो आपका लाइट डिस्कनेक्ट होगा। तो अपडेट कैसे होगा सर, ये मतलब क्या होता है इसमें सिस्टम? मतलब जी मैं इसके मतलब प्रोसेस बता दे रहा हूँ। जैसे आपका जो मोबाइल है सर, आपका एंड्रॉइड फोन है, आईफोन है? एंड वो कौन सा होता है सर, एंड्रॉइड कौन सा होता है? कैसा है एंड्रॉइड फोन कौन सा होता है भाई साहब? आपका मोबाइल कौन सा है सर? मैं सैमसंग का यूज करता हूँ जी। तो मोबाइल का जो प्ले स्टोर है ना सर? हाँ जी प्ले स्टोर, एक मिनट में देख लेता हूँ सर कहाँ पर होता है, ये पता लग जाएगा उसमें कहाँ पर होता है। आपका एक टच वाला मोबाइल है ना? हाँ जी टच वाला मोबाइल है जी मेरा। पहले आप कॉल को स्पीकर में लीजिए, कॉल को स्पीकर में लीजिए। एक मिनट भाई साहब एक मिनट। हाँ जी स्पीकर फोन ऑन कर लिया जी मैंने। अभी देखिए मोबाइल के नीचे जो 3 बटन होते हैं ना सर, एक लेफ्ट एक राइट एक बीच में जो गोल बटन होते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बीच वाला बटन दबाइए। बीच वाला बटन दबा दिया जी, बाहर स्क्रीन आ गई जी। हाँ जी देखिए आपके मोबाइल पे जितने ऐप वहाँ पे सारे ऐप दिख रहा है सर आपको? हाँ जी ऐप दिख रहा है जी मेरे को। देखिए वहाँ पे प्ले स्टोर आ रहा है, प्ले स्टोर? अच्छा हाँ जी वो एक बना आ रहा है ऊपर जी प्ले स्टोर। हाँ प्ले स्टोर ओपन कीजिए। हाँ जी कर लिया जी। हाँ वहाँ पे सर्च कीजिए सर अपडेट क्विक सपोर्ट। सर स्पेलिंग बता देंगे, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ जी सर। वहाँ पे लिखे UPDATE उसके बाद लिखे QUICK QUICK हाँ जी SUPPORT अच्छा जी सर्च कीजिए। हाँ जी कर दिया जी। सर्च करने के बाद क्या आ रहा है? ये आ रहा है सर TEAMVIEWER टीम व्यूअर क्विक सपोर्ट आ रहा है। हाँ जी ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है जी। हाँ उसे इंस्टॉल कीजिए। हाँ जी कर दिया जी। अभी इंस्टॉल हो रहा है? हो रहा है सर, एक मिनट लगेगा उसको ना। अभी जैसे वहाँ पे परसेंटेज बता रहा सर, कितना परसेंट हुआ है? अभी सर इसमें 40% हो गया जी, 60% हो गया।
हाँ जी हो गया जी ये। हाँ जी ओपन कीजिए। हाँ जी ओपन कर दिया जी। ओपन करने के बाद देखिए एग्रीएंट कंटिन्यू आ रहा है। हाँ जी उसमें कर दूं जी। हाँ एग्रीएंट कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। हाँ जी उसके बाद स्क्रीन को भी स्लाइड कीजिए सर, राइट से लेफ्ट की ओर स्क्रीन को तीन बार स्लाइड कीजिए। स्लाइड क्या होता है जी? राइट से लेफ्ट की ओर स्क्रीन को खेलिए सर, जैसे फोटो कॉल करता है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ जी कर दिया जी, तीन बार करना है। हाँ जी कर दिया जी। अभी क्या आ रहा है? एक मिनट भाई साहब होल्ड करो। अबे साले बेवकूफ आदमी, तेरा बाप बोल रहा हूँ मैं, लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कर दे। फोन काट गया, बताओ देखा कैसे फ्रॉड किया जाता है आजकल। मतलब यार दुनिया क्या फ्रॉड की हो गई है, मैं तो वो सोच के इतना हैरान हो रहा हूँ। मेरे को एक मैसेज आया, ये आप देखो, योर इलेक्ट्रिसिटी पावर विल डिस्कनेक्ट एट 9:30 PM एज योर लास्ट बिल वॉजेंट अपडेटेड कॉल। कॉल पे मैंने दबाया नंबर उस पे, तो भाई साहब जी बोल रहे हैं आपको अपडेट करना पड़ेगा मुझे टीम व्यूवर पे लेके, ताकि मेरे फोन का सारा डेटा हैक कर ले। मतलब आप सोचो यार जिंदगी में कितना फ्रॉड हो गया है। मैं फोन काट गया, मेरा फोन, मैंने गाली दी ना आगे से फोन काट गया। मतलब मैं आपको एक चीज बता दूं, आजकल बहुत लोग इस चीज के शिकार हो रहे हैं। आपको कोई भी मैसेज आता है, मतलब आप प्लीज इनके बातों में मत आओ, आपका बैंक अकाउंट सारा खाली कर देंगे। क्योंकि मेरे को पता है मेरे व्यूवर्स में बुजुर्ग लोग भी हैं और बच्चे भी हैं, जो मतलब यूथ है उनको तो आजकल टेक्नोलॉजी का सारा पता है, तो उनको कोई दिक्कत होती नहीं। बुजुर्ग लोगों को और बच्चों को ये लोग ज्यादा कैप्चर करते हैं, जिस मतलब उनको इतना पता होता नहीं, वो लोग बेचारे कर देते हैं और सारा बैंक अकाउंट खाली हो जाता है इस चक्कर में। तो प्लीज 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 रिक्वेस्ट है, आपको कोई भी मैसेज आए आपको भी कॉल मत करो इनको। अगर कॉल करते भी हो तो कुछ भी डाउनलोड मत करो, क्योंकि आपका फोन सारा टीम मेंबर पे लेके वो हैक कर लेंगे। और मेन क्या होता है, ओटीपी ले लेते हैं आपको पता ही है। अच्छा एक आपको मतलब कोई भी बैंक कोई भी डिपार्टमेंट आपको कभी फोन करके आपसे ओटीपी या कोई चीज नहीं मांगता, ये चीज अपने दिमाग में बिठा लो आप प्लीज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आजकल बहुत ज्यादा फ्रॉड्स हो रहे हैं, बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। तो होर्डिंग से अपने एड लग रही है भाई साहब, डिजाइन फाइनल नहीं हो पा रहा, कौन सा करें? नहीं समझा, कर दे जो बेस्ट होएगा। क्या करोगे देख ले, मेरे को ये सही लग रहा है, पर इसमें क्या बाइक ज्यादा हाईलाइट हो रही है, शक्ल छुप रही है, इसमें शक्ल थोड़ी छोटी लग रही है। देखते हैं कौन सा बनता फाइनल। तो मैं जो बस अभी ऑफिस से निकला ही हूँ, घर जा रहा हूँ, पहले गुजार जाऊंगा फिर घर जाऊंगा। और बारिश तो देखो भाई साहब रुकने का नाम नहीं ले रही, मतलब कंटिन्यूसली तीन दिन से बारिश चल रही है और संडे तक का अलर्ट तो है बारिश का, आएगी आएगी। बाकी एक ना यार मेरे को हंसी बड़ी आती है, मतलब कुछ हेटर्स जो होते हैं मतलब मैसेज भी करते हैं। कल एक ने लिखा कि आपका तो काम ही वैसा शिकायत करना है। यार मैं अगर कुछ गलत चीज देखता हूँ मैं उसकी शिकायत करता हूँ, तो उसमें गलत क्या है? अगर यहाँ पे लोग सफाई नहीं करते तो उसमें मैंने गलत क्या बोला? सफाई तो होनी चाहिए ना यार सबके लिए। और एक बात और लिखी एक बंदे ने, मैं पढ़ के सब कमेंट ना हंस रहा था, मैं कहता यार आप खुद तो ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करते तो हमें आप सारे सिखलाई देते हो। तो भाई साहब मैं रूल जो है वो फॉलो नहीं करता, मैं कौन सा हेलमेट जंप करता हूँ, सीट बेल्ट पहनी, गाड़ी चलाता हूँ, सब कुछ करता हूँ। हाँ रही बात व्लॉगिंग जो करता हूँ, मेरी गाड़ी ऑटोमेटिक है, मेरा एक हाथ हमेशा फ्री रहता है और मैं पूरा ध्यान देके करता हूँ व्लॉगिंग, तो उसमें गलत कुछ नहीं है। मैं अकेला तो करता नहीं, जितने यूट्यूबर्स हैं सभी करते हैं, मैं तो या तो मैं अकेला कर रहा हूँ और कोई भी ना करता हूँ, समझ में भी आता है। जितने भी यूट्यूबर हैं सबकी देखो, हर बंदा करता है, कौन नहीं करता मेरे को ये बताओ। तो उसमें कुछ गलत नहीं है, अगर आप ढंग से गाड़ी चला रहे हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है उसके। भाई साहब यहाँ एक्सीडेंट हो गया, लड़ाई हो गई, सारे बाउंसर निकले हैं गाड़ी में बंदे के मारने के लिए। क्या गुंडा कर दिया भाई साहब, देखो बैठ के वापिस जा रहे हैं। अच्छा आज बारिश होने का फायदा पता है क्या हुआ है? एक तो जो अलर्ट दिया ना गवर्नमेंट ने, तो उसकी वजह से काफी लोग मेरे डर गए अपने घरों में है, और ट्रैफिक तो है ही नहीं, मतलब गाड़ी फर्स्ट क्लास चल रही है आज। मतलब ऐसा मतलब गुजारे से 20 मिनट में मैं एयरपोर्ट पहुंच गया हूँ, यहाँ से हार्डली 10-15 मिनट लगेंगे अगर ऐसी ट्रैफिक मिला तो घर पहुंचने में। तो ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है आज, सुबह आते हुए पूरा रास्ता खाली था, तो मतलब घर जा रहे हैं। सिमरन ने आज भी टमाटो सूप बनाया बढ़िया वाला,
सूप पियेंगे और बाकी थोड़ा बहुत जो घर पे एंजॉय करेंगे सो जाएंगे। और पापा ने आज कुछ अमेरिका से क्लिप्स भी भेजी है, बीच वाला गए थे, वो भी आपको दिखाऊंगा। क्या हो रहा है? हाय चना, मैं कि वहाँ भी टूटू इंजेक्शन लगवा के आया हूँ। आपको बताया ना मम्मा ने मेरे को ना एक डॉगी ने काट लिया था, एक बार गली में एक डॉगी ने काट लिया था कॉफी के वहाँ पे, एक डॉगी ने काट लिया था मेरे को बाद ना, हाँ बहुत जोर से काटा था, मैंने बताया नहीं, मैंने आपको आज ब्लॉग में ना बताया नहीं, मेरे को आज एक कल रात को ना एक डॉगी ने काट लिया था बाहर बहुत जोर से, हमारे वाले ने दूसरे एरिया के, तो बचाव हो गया ना थोड़ा बहुत, बस निशान आया तो वो भी, ये देखो मेरी चेस्ट पे इधर काटा उसने, ये देखो मतलब एकदम जब मार के ना ऊपर दांत का लग गया था उसका, तो बचाव हो गया बहुत ज्यादा मेरा, तो फिर भी डॉक्टर मेरे को तुमने सलाह ये दी कि इंजेक्शन लगवा ले, तो मैं फिर अभी बस एक टेटनस वाला गया, एक दूसरा रेबीज का इंजेक्शन लगवा के आया हूँ, मैं कहा सेफ साइड ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बस दर्द हो रही है अभी काफी, यहाँ पे जख्म में काफी दर्द हो रही है मुझे, तो बस अब घर पहुंचा हूँ 10 बजे इस टाइम पे। क्या हो रहा है बाकी आपका? खाना भी क्या बनाया? तो सूप बनाया हुआ आपने, टोमेटो सूप, वाह कमाल। और खून पीऊंगा क्यों? वो खून होता है पागल है किमा, क्या हो गया देखो देख लो, कह रही आप पियोगे खून, बताओ यार किमा कैसी बातें करते हो? आलू चाहिए? आप सोए हुए थे ना, फिर मैं ब्राउन कैसे देता पता नहीं। तो एक दो साल लग गई मेरे को, एक लगेगी 26 तारीख को, एक 30 तारीख को, एक 7 तारीख को और एक 21 तारीख को, तो टोटल 5 दिन का कोर्स है, 5 इंजेक्शन का, तो लगवाऊंगा पूरे। अब क्या करें भाई साहब, काटा है तो लगवाने तो पड़ेंगे ही ना, चलो चलता है कोई टेंशन नहीं, अब इतना छोटी मोटी प्रॉब्लम आती रहती है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बनाया है हमारी सिम ने टमाटो सूप, बढ़िया ना मुस्कुरा रहे हो, क्या बात, अच्छा है, पापा अच्छा ही बनाते हो आप, कब बनाया आपने? पापा आपका खून आ गया। खून आ गया? नहीं आया, पिया था स्वीट कॉर्न सूप और आज टोमेटो सूप, मजा आ गया, बहुत शानदार है, ऐसे चलता था मैं पतला बड़ी जल्दी हो जाऊंगा ना। टोमेटो सूप में वो नहीं किया है, फ्राइड ब्रेड भी डाली है, कॉर्न व्हीट नूडल्स डाले। हां तो ठीक है ना, वो चलता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। पापा अब फ्राइड नहीं डाला है। हां तो ठीक है ना, हां मैं नूडल्स डाल के। पापा अब आपको मोमो सूप भी करना है। मोमो सूप वो वांटन सूप होता है, मोमो जैसा जो होता है। पीना आपको? कल वो बनाऊं? चलो कल वो बनाते हैं आपको, कल इसको वॉन्टन सूप पिलाएंगे, ठीक है? वो क्लियर होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फुल मील देखो, ये हमारा हेल्दी डिनर है रोज का, अब हम हफ्ते में एक दिन चीट डे करेंगे, बाकी हमारा ये डिनर चलेगा मैक्सिमम। क्यों भाई, एक दिन तो चीट डे अलाउड है ना? नहीं फिलहाल तो एक दिन तो होगा यार, इतनी जल्दी नहीं होगा सब कुछ, रखना पड़ता है भाई ना, बड़ा सोच समझ के कर रहा हूँ मैं ये, आज दूसरा दिन है। सुबह सुबह उठते साथ रात को गर्म पानी रख देंगे वार्म वाटर, और सुबह पानी गर्म करके जीरे वाला पानी पियेंगे अभी, ठीक है ना? तो प्रॉपर डाइट प्लान पे भाई साहब चैलेंज है, 1 महीने 5 किलो कम करना तो करना ही है, कुछ भी करके सही ना। क्या है ये? क्या बनाया आपने? ये क्या है? ये फ्लैग। फ्लैग बनाया है? तो उल्टा दिखा रहे हो ना ऐसे, अभी भी थोड़ा सही बनाओ कि माँ, इतना अच्छा नहीं बना, पर कोशिश करो अच्छा बन जाएगा, ठीक है? और क्या है, क्या बनाया ये? क्या है ये? क्या है? हाउस है ये? ऐसा हाउस होता है आपका? हाउस ऐसा है? क्या कुछ भी बनाते हो आप? हैं? चलो बच्चा कोशिश तो कर रहा है, वाह ये ऑटो नहीं है, साइकिल रिक्शा है, बैलगाड़ी दिखता है, ऑटो ऐसा होता ही ऑटो बनाया है, इसे देखो, ये देखो। एक और क्या है, चलो कोशिश तो करी। ये कौन कौन है? ये आप हो? अच्छा ये मैं हूँ, ये मम्मा है। हाँ। देख रहे हो बच्चों के हाल आजकल, भाई साहब बाप को क्या बना दिया और माँ को क्या बना दिया, देखो आप देख रहे हो। चलो जो भी ट्राई तो किया है ना बच्चे ने बनाने की, भाई साहब अम्मा बहुत खुश हूँ। चलो अभी सोए, लॉग इन करते हैं अभी, हैं? तो बस अब नींद आ रही है, अब सोएंगे,
ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो, मेरे को पता आपको व्लॉग अच्छा लगा नहीं, पर फिर भी मैं बोलूँगा अगर व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। कमेंट करके मेरी कमियाँ मुझे जरूर बताते रहना ताकि मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर सकूँ। मुझे नए नए ब्लॉगिंग के आइडियाज़ देते रहो आपकी, मैं किस टाइप की वीडियो बनाऊँगा उस टाइप की वीडियो बनाऊँगा। और सबसे मेन बात सब्सक्राइबर, भाई साहब सब्सक्राइबर जरूर बढ़वा दो यार, इतनी रिक्वेस्ट है। आप एक को बोलोगे एक आगे 10 को बोलेंगे, 10 100 को बोलेंगे, ऐसे कर सकते हैं हम कहाँ पहुँच जाएंगे आपकी, मैं कितना बड़ा एहसान मन दूंगा ये सोचो। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरे सब्सक्राइबर बढ़वा दो, कुछ नहीं ठीक है ना। इस ब्लॉग को अभी यही एंड करते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, नए दिन के साथ। अभी के लिए बाय बाय, बाय, गुड नाइट। इतने सारे व्हाट्सएप के आजकल तो ग्रुप्स होते हैं, फैमिलीज, किटीज, पता नहीं व्हाट नॉट, सब में जाके यार लिंक शेयर कर दो। तो मतलब आज का दिन तो पूछो मत, इतना मतलब बुरा दिन है ना मेरे लिए, मैं क्या बताऊँ। 2 बार हॉस्पिटल जाना पड़ गया मेरे को आज, एक बार शाम को जो डॉगी ने काटा उसका इंजेक्शन लगवाने के लिए, और अभी रात को 12 बजे। तो अभी टाइम हो रहा है रात के 1:45 हो रहे हैं देखो। तो मतलब क्या हुआ, बैठे बैठे एकदम से ना मेरे को मतलब घबराहट होने लग गई और सांस थोड़ा सा चढ़ रहा था, और बीपी मैंने चेक किया अपने घर में जो मशीन है मेरे पास, उसमें मेरा बीपी आया 150/100। मैं कहा यार बीपी ज़्यादा है भाई, मेरे को कोई बीपी की प्रॉब्लम होती नहीं है, पर पहली बार देख के मैं थोड़ा घबरा गया। तो मैंने सिमरन बोला यार बीपी लग रहा है मेरे को, मैं क्या करूँ, कहीं डॉक्टर को दिखाना, दिखा दो। मैं कहा चल छोड़। फिर भी काफ़ी देर तक मैं वेट करता रहा, मैं कहा यार चल एक बार आते आके अकेला हूँ फायदा नहीं, एक बार दिखाई जाता हूँ जाके। तो सोनू को फ़ोन किया, सोनू भाभी और रगम भी आ गए, फिर हम लोग चले गए यहाँ पे पास में हॉस्पिटल है हमारे यहाँ पे, जहाँ पे शाम को गए डॉक्टर भी वही वाले मिल गए सेम। उन्होंने बीपी चेक किया, वहाँ पे भी 150/90 आया। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम हल्का था, माइनर ऊपर है तो कोई टेंशन की ऐसी बात है नहीं, तो आप आराम से रेस्ट करो घर जाके। मैं कहा मेरे को सांस भी चढ़ रहा थोड़ा सा, तो डॉक्टर कहता है ठीक है ECG कर लेते हैं। तो ECG आपको रिपोर्ट दिखाई है मैंने, तो ECG की रिपोर्ट भी नॉर्मल आई है, अगर कोई टेंशन की बात नहीं, एसिडिटी भी हो सकती है, उसकी वजह से भी हो जाता है कभी कभार, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं, आप आराम से रेस्ट करो। तो मैं कहा डॉक्टर साहब घबराने की जरूरत नहीं, कह रहे कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, आराम से घर जाके रेस्ट करो, आराम से कोई दिक्कत नहीं है। तो बस अभी घर आया हूँ। अब मैं कहा आपको देखो, आप भी फैमिली मेम्बर हो, अपनी हर अपडेट आपको देना भी बहुत ज़रूरी है, तो मैं कहा एक बार आपको पूरा अपडेट दे दूँ। तो ये प्रॉब्लम आज मेरे साथ हुई है, मतलब आज का दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया, आज तबियत खराब वाला दिन गया सारा। तो रेस्ट करूँगा बस, वीडियो एडिट रात को नहीं करा, कल सुबह शायद वीडियो थोड़ी लेट आएगी, तो सुबह उठ के एडिट करूँगा वीडियो को। तो बस बता दिया आपको अपडेट यही था आज का, और तो कुछ खास था नहीं, ठीक है ना, गुड नाइट। ब्लॉग बनाना मेरे को अच्छा लग नहीं रहा था, मैंने इसलिए हॉस्पिटल में कोई ब्लॉग नहीं बनाया, मैं घर आके आपको अपडेट दूंगा।